वडोदरा पास के धनोरा के जगतपुरा गांव के किशोर युवक द्वारा गांव के बुटलेगरों की मानसिक परेशानी से त्रस्त होते हुए आज कलेक्टर कचेरी में आत्मविलोपन करने की कोशिश के भागरूप पुलिस द्वारा किशोर युवक की अटकायत की गई थी। मिली जानकारी के आधार पर वडोदरा के धनोरा के जगतपुरा गांव में रहते किशोर युवक द्वारा बुटलेगरों की धमकी और हैरानगति से त्रस्त होकर आज कलेक्टर कचेरी में आत्मविलोपन करने की कोशिश करते हुए भारी भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ था, जिसमें जगतपुरा गांव में रहता नरेश गोविंद भाई गोहिल परिवार के साथ रहता है। 3 साल पहले नरेश गोहिल गांव में शराब का व्यापार करते, वैसे बुटलेगर उपेंद्र गोहिल और महेश गोहिल के यहां काम करते युवान के कहने पर वो बुटलेगर के घर मोबाइल फोन देने गया था, जिसमें बुटलेगर के घर कोई भी नहीं होने से नरेश गोहिल ने घर में स्थित महिलाओं को फोन दिया था, जिसका रोष रखकर बुटलेगरों ने नरेश गोहिल की भारी धुलाई की थी और गांव में अगर रहा तो जान से मारने की धमकी देकर उसे बाद गांव से भगाया गया था। बुटलेगरों की धमकी से डरे हुए नरेश गोहिल ने बाद सावली तालुका के सीतापुरा गांव में रहते मामा के घर चला गया। पिछले 3 सालों से अपना गांव छोड़कर मामा के घर रहता नरेश गोहिल ने अपने गांव घर वापस आने के लिए ढेरों कोशिशें की। नरेश गोहिल ने इस मुद्दे कई बार पुलिस को लिखित और मौखिक में रजूआत कर फरियाद भी की है और बुटलेगरों के सामने उसे रक्षण देने की भी मांग की गई है, लेकिन बुटलेगरों के सामने कोई भी कार्यवाही नहीं करने के कारण किशोर वैसे नरेश गोहिल काफी घबरा चुका है। बुटलेगरों से त्रस्त होकर आखिरकार मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आत्मविलोपन करने की मंजूरी मांगी गई थी, जिसको लेकर आज नरेश गोहिल ज्वलनशील पदार्थ से भरा कारबा लेकर कलेक्टर कचेरी में आ पहुंचा था। तो वहीं बुटलेगरों से डरे हुए पुत्रों द्वारा आत्मविलोपन करने की कही गई बात से परिवार भी माता बहन के साथ लोग दौड़े चले आए थे, तो कलेक्टर कचेरी में ये आत्मविलोपन करने की चेतावनी से पहले ही तैनात वैसे पुलिस द्वारा नरेश गोहिल को ज्वलनशील पदार्थ के साथ पकड़ते हुए बाद उसकी अटकायत की गई और उसकी आत्मविलोपन करने की कोशिश को निष्फल बनाया गया, जो एक घटना के साथ कलेक्टर कचेरी संकुल में भारी उत्तेजना फैली थी, जहां पुलिस ने बाद युवक की अटकायत करते हुए कार्यवाही जारी की थी। आत्मविलोपन बुटलेगरों गांव में नहीं घुसवा देता कारण सर कौन सा ग्राम पूरा जगतपुरा महेश ने उपेन्द्र पत्नी पत्नी मोबाइल केम आप तीन वर्ष पहला मारी ने मामा घर में गतो रहो नहीं जवा देता नहीं दादा कैंसल पर मैं रामपुर चकू लेने मरवा गए पुलिस में मारू कई उखाड़ी एम बधु क्या करे छो ગોયલ નરેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ મારા દીકરાને શોધના કારણે અને મારા દીકરો આત્મહત્યા કરવાનો હતો એટલા માટે અમે આયા છીએ અહીંયા આગળ કોણ હતું કેમ કને આત્મહત્યા કરવાનો હતો એ મારા છોકરાને 3 વર્ષથી ઘૂસવા નહીં દેતા બુટલે ઘરે એટલા માટે ભગાઈ મૂક્યા છે, આજે 2 મહિનાથી અમે બહાર ભટકે છીએ, મારા સસરા ને કેન્સર છે, મારા સસરા માટે ફર્યા કરે, અમે બધે આમ તેમ ફર્યા કરીએ છીએ, અત્યારે મારી મમ્મી પાસે છું, મારી મમ્મી એકલી છે, મારી મમ્મી કપાસ વેચીને અમને ખવડાવે છે, અમે કોઈ નોકરી જતું નહીં, 15 દિવસ 2 મહિના થઈ ગયા પણ તો અમને કોઈ કોઈ ન્યાય મળતો નથી, એટલે મારા છોકરા આત્મહત્યાનું વિલોપન કરે એટલે અમે આવી ગયા, જયબેન લક્ષ્મણભાઈ અમને ન્યાય મળો જોઈએ, મારે કસ નહીં, મારા છોકરા મારો પરિવાર મારું સાસુ મારા પતિ મારા છોકરો સાથે મારે રહેવાનું મારા ઘરે હવે આ છોકરો 2 દિવસ એનો કોઈ પ્રોબ્લેમ હતો ઘરે અહીંયા આવું આવું કરે કરતો એટલે એને છોકરાએ એવું કીધું ભાઈ અહીંયા આવીને કે ભાઈ શાની માટે આ છો હવે એનો કંઈ ઘરનો પ્રોબ્લેમ હતો તો એને એમ કીધું કે ભાઈ સાહેબ મેં કીધું શું થયું છે તો કે પ્રોબ્લેમ આવો થયો છે મેં કીધું પ્રોબ્લેમ તો કે આવી રીતે મને ગામડેમાં આવો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે કે છે એમ કીધું મને કે મને કે કેરોસીનનો ડબ્બો નહીં લઈને આવે ત્યાં એટલે એમને કીધું કે શું થયું હતું તો કે કેરોસીનનો ડબ્બાનું ઢાંકણું એમને ખોલી નાખ્યું અંદર આવીને હું બચાવ કર્યો એમનો કે ભાઈ ઢાંકણું ખોલીને બંધ કરીને કેરોસીનનો ડબ્બો લઈને મૂકી દીધો અંદર કૃણાલ કડું